आखिर क्यों इंग्लैंड की रहने वाली एक अंग्रेज़ औरत नितनेम की बाणियों का पाठ करती है अते किमें गुरु की बाणी ने उसकी रक्षा की थी। यह घटना साढ़े नाल गुरदीप सिंह ने सांझी की है जो कि पंजाब के मोगा शहर के रहने वाले हैं पर इस समय वह इंग्लैंड के वर्मिंगम शहर में पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं। गुरदीप सिंह ने दसिया कि मैं जब इंग्लैंड पहुंचा तो मेरे को उत्थे रहने लई कोई पक्का टिकाना नहीं सी अते होस्टल की इन्नी फीस देने लई मेरे को इन्ने पैसे नहीं सन इसलिए मैं घट पैसों में कोई बेसमेंट किराए ते लभ रहा सी। फिर एक दिन मेरे नाल पढ़न वाली जैसिका ने मेरी सारी गल नूं सुनिया समझिया अते मैनू उसने उसके घर चलन लई कहा क्योंकि उन्होंने घर में एक रूम खाली पिया सी अते ओह भी कोई किराएदार लभ रहे सन। मैं यह जान के काफ़ी खुश होया। गुरदीप ने दसिया कि जैसिका के घर में उसके माता पिता अते दो छोटे भैन भरा रहिंदे सन अते उन्हां नूं मिल के अजिहा बिल्कुल भी नहीं लग्या कि मैं किसी ओपरे परिवार नूं मिल रहा सी। उन्होंने मैनू अपने वांग समझ के मैनू हर वह चीज़ मुहैया करवाई जिसकी मैनू लोड़ सी। मैनू उन्हां नाल रहिंदिया साल तो भी उपर हो चुकिया सी अते अज तक उन्होंने मेरे तो कमरे का किराया अते खाण पीण दे पैसे अज तक नहीं लए। पर एक दिन अचानक जैसिका की माँ सोफिया बीमार पै गई उसके दिल की धड़कन बढ़ गई अते अखा सामने हनेरा आउन लग पिया अते उसनू इस तरह लग रहा सी जिमें कोई उसका सांग घुट रहा सी। सानू लगा कि शायद सोफिया नू हार्ट अटैक आया होगा इसलिए असी उसनू जल्दी तो कार विच हॉस्पिटल लै गए। उत्थे जाके डॉक्टर ने उन्हां दी काफ़ी चंगे तरीके नाल जांच कीती अते उन्हां दे कई सारे टैस्ट करवाए पर रिपोर्टां सारियां नॉर्मल सन अते डॉक्टरां नू भी समझ नहीं आया कि आखिर उन्हां नाल होया की है। हॉस्पिटल विच सोफिया बिल्कुल ठीक सी इसलिए डॉक्टर तो पूरी जांच करवा के असी वापस घर आ गए। घर विच आए सानू अजे घंटा नहीं होया सी कि सोफिया नू फिर तो उसे तरह लगन लग पिया। असी हैरान सी कि कुछ समय पहला तो वह बिल्कुल ठीक सन पर अचानक इन्हां नू की हो गया इसलिए इस बार असी हॉस्पिटल जाने की बजाय डॉक्टर नू घर ही सद लिया। डॉक्टर कुछ समय विच ही अपनी टीम नाल घर पहुँच गया वह सारी सहूलतों के नाल ही घर आए सन। उन्होंने सोफिया नू ऑक्सीजन मास्क लगाया अते नींद का टीका लगा के सलाउन की कोशिश की पर सोफिया सुती नहीं सगो उसकी हालत होर भी खराब हो गई उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया सी वह अजीबो गरीब गल्लां अते हरकतां कर रही सी। नाल दे गुआंढी भी घरे आए सन उन्होंने कहा कि सोफिया ते किसी बुरी शक्ति का साया है इसलिए चर्च में जाके पादरी नू बुलाना चाहिए है। उन्होंने सारे ने सलाह करके पादरी नू चर्च तो बुला लिया। पादरी ने आके घर की जाँच पड़ताल की अते कहा कि घर विच सच विच किसी बुरी शक्ति का साया है जिसने सोफिया के शरीर ते काबू कर लिया है। इस तो बाद पादरी कुछ पढ़न लग पिया पर सोफिया सही होने की बजाय होर भी भयानक रूप धार रही सी। उसने पादरी ते हमला कर दिता अते उसनू जख्मी कर दिता। शुक्र है उस वेले डॉक्टर उत्थे सन अते उन्होंने पादरी का इलाज किया। इस तो बाद पादरी पूरी तरह डर गया सी। उस समय असी लाचार अते डरे खड़े ये सब देख रहे सी असी कुछ भी नहीं कर सकते सी। अचानक मेरा फोन रिंग होया अते मैं अपने फोन ते मूल मंत्र साहिब का पाठ लाया सी। मैं आवाज़ बंद करन लई फोन कढ़न लगा सी कि असी देखिया कि सोफिया के अंदरों अजीब आवाज़ा आने लग पईआं जो मैनू इस आवाज़ जाने के मूल मंत्र साहिब के पाठ नू बंद करन लई कह रही सन। मैं सब कुछ समझ चुकिया सी ते मैं अपने फोन नू ब्लूटूथ स्पीकर नाल कनैक्ट करके उच्ची आवाज़ विच मूल मंत्र साहिब के पाठ नू चला दिता। मूल मंत्र साहिब का पाठ चल रहा सी अचानक उन्होंने घर की छत चीर के एक तेज रोशनी घर में दाखिल हुई अते सोफिया के आले दुआले घूमन लग पई। फिर वह सोफिया के अंदर चली गई अते सोफिया बेहोश हो गई। जो सोफिया उठी तो उसने काले रंग की उल्टी की जिमें कोई ग्रीस होवे। उसने खाली पासे दीवार वाल देख के हाथ जोड़ के थैंक यू कहा। जो असी उसनू पूछा कि तुसी किस नू हाथ जोड़ के थैंक यू कह रहे सी तो उसने कहा कि मैं एक उच्चे लंबे इंसान नू थैंक यू कहा जिसने मेरे अंदरों उस बुरी शक्ति नू कढ़िया है। वह उस तरह के ही सन जिस तरह की गुरदीप के फोन से वॉलपेपर फोटो है। जो मैं अपना फोन देखा तो उसते निहंग सिंह की फोटो लगी सी। इसका मतलब गुरु साहिब ने निहंग सिंघा नू भेज के सोफिया की रक्षा की। इस तो बाद सोफिया ने मेरे तो पाठ करना सीखा अते अपने पति बच्चों नू भी पाठ सिखाया। अज वह सारा परिवार गुरबाणी का पाठ करता है अते शांत अते वधिया जीवन बतीत कर रहा है।